हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चले बिल्कुल लाइव हूं आपके सामने। और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद। मेरी आवाज़ आ रही है बताइएगा? सभी को राधे राधे, नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि है ना आज हम लोग यहाँ पे क्या कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया, ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कवर किया गया है ना, कि देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कहाँ पर किसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखो तीन जो हमारे है ना 2022 में अगर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो तीन कितने लोगों को दिया गया था? तीन पर्सनैलिटी को दिया गया है, जिनमें कौन से बच्चों रॉयल स्टेडिस एकेडमी ऑफ साइंसेज से प्रोवाइड करता है, और एक किस किस को दिया? तो कैरोलिन और बार्टोजी को दिया गया, मॉर्टन मेंडल को दिया गया और सार्प्लेस को दिया गया है। तो तीन ये कहाँ के हैं? दो अमेरिका और एक डेनमार्क के हैं, और इनको किस लिए दिया गया? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। ध्यान रखना इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो नोबेल केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, किसमें? रसायन के क्षेत्र में। तो याद रखना है कौन पुरस्कार देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है। ये क्लिक केमिस्ट्री की क्या इस्तेमाल है बच्चों? याद रखना क्लिक केमिस्ट्री का उपयोग जो है ना फार्मास्यूटिकल के विकास में और डीएनए की मैपिंग के लिए है ना, जो उपयुक्त सामग्री होती है उसको बनाने में इसका नाकाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का न्यूनतम जो नेटवर्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है और जो आरआरबी हमारे कंट्री की क्या है, जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। और भारत का पहला आरआरबी कौन बना था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक, ये भारत का क्या है? पहला आरआरबी है, ठीक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। और देखिए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुरादाबाद के अंतर्गत की गई थी। कहाँ पर? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको बता दूं कि जो बच्चों ये ग्रामीण बैंक होते हैं ना, इनको कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड, ठीक है, नोट करेंगे। नाबार्ड जो है ना ये आरआरबी को रेगुलेट करता है। और आरआरबी को पैसा कौन देता? तीन लोग पैसा देते हैं। एक तो भारत सरकार देती है, भारत सरकार कितना प्रोवाइड करती है इनको? 50%। भारत सरकार कितना देती है? 50%। और देखो ये जो स्पॉन्सर्ड प्रायोजक बैंक कौन कहलाते हैं? ये स्पॉन्सर्ड बैंक कहलाते हैं। और स्पॉन्सर बैंक हमेशा कौन होते हैं? सरकारी बैंक होते हैं। और ये 35% देती है, ठीक है। और साथ साथ में देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राज्य सरकार कौन होता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार का कितने हिस्सेदारी होती है? 15% होती है, यानी कि 15%। तो ये तीन लोगों के भरोसे चलते। अब अगर बैंक को अपना बिजनेस और बढ़ाना है और अपना एक्सपेंशन करना है अपनी शाखाओं का है ना, कि जैसे कि सैलरी प्रोवाइड किया है, तो हम सारी चीजें जो खर्चे होते हैं उनको और निकालने के लिए फंड को रेज करने के लिए मार्केट से फंड ले सके, इसके लिए को क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों इनको स्टॉक एक्सचेंज में क्या होना पड़ेगा? सूचीबद्ध होना पड़ेगा। और ये फिर अपना आईपीओ ऐसी तमाम सारी मतलब की चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात कर लें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है, तो इनके लिए जो घोषित की गई निवल यानी कि नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 300 करोड़। जिस आरआरबी का नोट करेंगे, जिस आरआरबी का जो नेटवर्थ है निवल मूल्य होगा कितना होगा? तो याद ना 300 करोड़ रुपए का है। उस वही कहाँ हो सकता है? रजिस्टर्ड हो सकता है बीएससी या फिर एनएससी में, ठीक है। कहाँ पर? बीएससी या फिर एनएससी में। तो इसका न्यूनतम जो क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम जो नेटवर्थ जो है आरआरबी के लिए कितना रख दिया गया है, तो बच्चों याद रखना यहाँ पर 300 करोड़ रुपए ये भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है, फिर फिक्स किया गया, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, नेटवर्थ कितना होगा? 300 करोड़ रुपए होगा। और ये 300 करोड़ रुपए कब? पिछले 5 वर्षों में। कितने सालों में? पिछले 5 वर्षों में है ना, जो 5 वर्षों का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो 5 वर्षों में लग 3 वर्ष में, ठीक है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उन पिछले 5 साल में एटलीस्ट 3 साल में कितना हो? तो 300 करोड़ के लगभग का हो बच्चों, 300 करोड़ या उससे ऊपर हो, तो ये एनएससी और बीएससी में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप सभी जानते हैं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। कहां पर? तो याद ना 1875 में की गई थी, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। युवा 2.0 योजना कितने वर्ष के युवा लेखकों के लिए शुरू की गई है? युवा 2.0 बताएंगे, जो युवा 2.0 जो योजना है बच्चों, ये कितने साल के युवाओं के लिए शुरू की गई है और इसका मेन पर्पस क्या है बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए
और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। और ये बच्चों पूरा को हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग करंट अफेयर्स ना रिवाइज कर रहे हैं, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 वर्ष से कम, ठीक है। जो 30 वर्ष से कम के युवा है, तो याद रखना इनके लिए क्या है, तो युवा 2.0 योजना लागू शुरू की गई है। इसका मेन पर्पज था कि देखो लेखन के क्षेत्र में, ठीक है, लेखन के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चे क्या है, लेखन क्षेत्र और पढ़ाया, जैसे कि हम बात करें कि लेखन के साथ साथ पत्रकारिता, ठीक है, लेखन के साथ साथ क्या होगा, पत्रकारिता। यानी याद रखें युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर, ठीक है, ध्यान रखना युवा का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, है ना, जो ये युवा है ना, इसका फुल फॉर्म है यंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था, तो यंग यूथ वर्सटाइल ऑथर की बात कर ले, ठीक है, यंग यूथ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, यंग यूथ वर्सटाइल ऑथर, वर्सटाइल ऑथर, ये इसका फुल फॉर्म है युवा का, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखन के क्षेत्र में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो यंग राइटर के लिए बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर ये है ना युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखना ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर यूथ नहीं होगा, अपकमिंग होगा, ठीक है, यंग अपकमिंग होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपकमिंग होगा, यूथ नहीं होगा, अपकमिंग होगा। तो यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर, ये किसका फुल फॉर्म है, युवा का फुल फॉर्म है, और याद रखना 30 साल से कम के लिए इसको शुरू किया गया है। चलिए, किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, सत्यपाल मलिक, देखिए पहले यहाँ के कौन थे, सत्यपाल मलिक थे, ये हट चुके हैं, है ना। गंगा प्रसाद कहाँ के, सिक्किम के हैं, गंगा प्रसाद जी कहाँ के राज्यपाल है, सिक्किम के। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के, बीडी मिश्रा ये वर्तमान में कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के ये राज्यपाल है, नोट करेंगे, है ना। और ला गणेशन ये कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। आप देखो आपसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब यहाँ के मेघालय के राज्यपाल के पद पर कौन, मतलब कि किसने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, बताओ भाई इसका राइट आंसर होगा बीडी मिश्रा बच्चों, जो कि अरुणाचल के, ये कहाँ के हैं, इनको मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ठीक है, मेघालय का। यहाँ के पहले कौन था, सत्यपाल मलिक जी थे, और सत्यपाल मलिक याद रखना ये हट चुके हैं, अब ये क्या बन गए, है ना, तो इनको याद रखना आपके मणिपुर का, किसका, तो मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ला गणेशन कहाँ के हैं, तो ला गणेशन ये मणिपुर के हैं और साथ साथ में पश्चिम बंगाल के। ला गणेशन कहाँ के, मणिपुर और पश्चिम बंगाल का, है ना, पश्चिम बंगाल के कौन है, तो नोट करना इनको अतिरिक्त प्रभार मिला यहाँ का, पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो ला गणेशन को दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बच्चों निम्नलिखित में से किसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिया गया तानसेन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए, इनमें से यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की बात करें, जो कि शरणार्थी है, इनके लिए जो अवार्ड दिया गया, इनमें से किसे प्रदान किया गया, लिज ट्रस, एंजेला मार्केस, व्लादिमिर जेलेंस्की, या फिर, है ना, या फिर एंथोनी अल्बनीज को दिया गया, बताएंगे इनमें से किसे ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ये किस लिए दिया गया, तो बच्चों ये शरणार्थी पुरस्कार क्या है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो नानसेन पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया, बताओ भाई जल्दी से फटाफट, ठीक है, ये शरणार्थियों के लिए दिया गया और ये किसे दिया गया, तो बच्चों ध्यान रखना ये एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी ना, ये जर्मनी की क्या रह चुकी है, जर्मनी की ये पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, ठीक है, कहाँ की, जर्मनी की पूर्व चांसलर, क्या नाम इनका है, तो याद रखना एंजेला मार्केल था। और इन्होंने जो कि अलग कंट्री की बात करें, दूसरे देशों से जो आए शरणार्थी थे, उनको अपने देश में क्या दी, जगह दी अपने शासनकाल में या फिर अपने कार्यकाल के दौरान, और इसी वजह से इनको क्या दिया गया है, तो नॉनसेन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, लिज ट्रस कहाँ के, तो बच्चों ध्यान रखना लिज ट्रस जो है ना, ये वर्तमान में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है, कौन है, ब्रिटेन का पीएम कौन है, तो लिज ट्रस ये वर्तमान में कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर ये कार्यरत है, कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जैसे एंजेला मार्केल तो व्लादिमिर जेलेंस्की, ठीक है, व्लादिमिर जेलेंस्की कौन है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जी हैं, है ना, ये देखिए इनके हालात क्या है वर्तमान में, तो व्लादिमिर जेलेंस्की की बात कर ले, तो व्लादिमिर जेलेंस्की कौन है, ये यूक्रेन के वर्तमान में, है ना, ये जो कौन है, राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, याद है। और अभी जर्मनी का चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल्ज है,
जर्मनी की चांसलर अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना, जर्मनी की चांसलर अभी वर्तमान पद पर वर्तमान में कौन है? तो ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम इनका है? ओलाफ स्कोल्ज। ये वर्तमान में कौन है? तो याद रखना, जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी एक पॉइंट और जरूरी है यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इसके अलावा भी एक पॉइंट और जरूरी है यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आप लोगों से, जो कि है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं फिलहाल तो। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि यूक्रेन से संबंधित है, यूक्रेन में तो बहुत सारी घटनाएं घट रही है, तो उसका कोई फायदा है नहीं बताने का। आइए देखते हैं इस पॉइंट पे। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की? ठीक है, वंदे मातरम पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखो बच्चों, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, कौन है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, कौन? सरकारी कर्मचारी ये क्या करेंगे, नोट करिएगा कि ये अपने जब भी टेलीफोन कॉल करेंगे, अब ये क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? याद रखना बच्चों, ये अब सरकारी कर्मचारी ना वंदे मातरम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। हेलो की बजाय हम लोग बोलते ना हेलो, कौन बोल रहा है? ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? हम बोल रहे हैं। तो याद रखना, अब आप हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम सरकारी कर्मचारी हैं और हम क्या बोलेंगे? अब वंदे मातरम। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। तो ये कौन सरकार ने बोला है? याद रखेंगे आपकी महाराष्ट्र सरकार ने इसकी पहल की शुरुआत की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में बच्चों टोटल कितने महारत्न है? 12 महारत्न कंपनी। ठीक है, भारत में कितनी है? भारत में टोटल याद ना 12 महारत्न कंपनी है। ठीक है, कितनी है? 12 महारत्न कंपनी है। और बच्चों जो ये महारत्न कंपनी है ना, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इसकी स्थापना 1984 में की गई। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बताओ भाई, इनमें से कौन बना? संदीप कुमार, सुजयलाल थियोसन, अनिल कुमार, कौन बना है इसका वर्तमान में अध्यक्ष? तो संदीप कुमार जी कौन बने हैं? संदीप कुमार बच्चों याद है ये गेल के नए क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बने। कौन थे? याद है संदीप कुमार जी गेल के नए वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और सुजयलाल किसके बने? तो सुजयलाल याद रखना ये आपके सीआरपीएफ किसके बने? सीआरपीएफ के बने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कब? 1939 में। याद रखना किसकी? याद बच्चों सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। और ये मध्य प्रदेश का स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया था, नीमच में। कहाँ पर? नीमच में इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ठीक है, करने का निर्णय लिया। ठीक है, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। सोलर रूफटॉप का मतलब कि रूफ का मतलब होता है छत, जो आपके घर की छत होती है ना, उस छत पर क्या लगाया जाएगा? सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिजली का उत्पादन यानी कि सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे या जनरेट करेंगे। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, ठीक है, योगी सरकार ने ये कहा है कि आने वाले भविष्य में, कहां पर? आने वाले भविष्य में पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उन घरों में जहां पर की है ना छत है, छत के ऊपर क्या लगाया जाएगा? तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि हम बिजली का उत्पादन कर सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चित्रकूट के बच्चों, चित्रकूट के बुंदेलखंड में, यहाँ पर आना, चित्रकूट के आपको मैंने बताया भी था ना कि चित्रकूट जो है ना यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो चित्रकूट में जो टाइगर रिजर्व, इसका रानीपुरा, क्या नाम है? रानीपुरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, रानीपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? चित्रकूट, जो कि आपके है ना, याद रखना कहाँ पर आता है? चित्रकूट जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? टाटा टेक्नोलॉजी के साथ इनमें से किस राज्य सरकार ने समझौता किया है बताइएगा? ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? चलो बताओ भाई जल्दी से। यहाँ पे तकनीकों को विकसित करने के लिए, ठीक है, राज्य सरकार ने कहा है कि जो राज्य सरकार की तमाम सारी जो क्रिएटिविटी चल रही है उनमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, फिर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये टाटा के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ सरकार। भूपेश बच्चों याद ना यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद ना भूपेश सिंह बाघेल जी। कौन है? भूपेश सिंह बाघेल जो है ना ये वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं,
और याद रखना इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है ना, टेक्नोलॉजी तकनीकी को राज्य के अंतर्गत बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये टाइप किया है, ठीक है, ध्यान रखना। और अनुसुईया उइके, यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके जी है। क्या नाम इनका है, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा यहाँ पर है, स्वामी विवेकानंद, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, रायपुर में है स्थित, कहाँ पर, रायपुर छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट कौन सा है, भिलाई स्टील प्लांट बच्चों आपके कहाँ पर, ये भिलाई स्टील प्लांट नोट करेंगे आपके छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, कहाँ पर आता है, दुर्ग जिले में, ठीक है। साथ साथ में यहीं से गोदा कौन सी निकलती है, महानदी निकलती है, कौन सी महानदी बच्चों, आपके रायपुर के पास है ना, रायपुर के पास बच्चों ध्यान रखना ये है ना, ये दंडकारण्य पठार से निकलती है, कहाँ पे, दंडकारण्य जो पठार है ना वहां से, धमतरी, कौन सा, धमतरी से ये निकलती है आपकी महानदी, ठीक है। और इसी पर हीराकुंड डैम बना है, कौन सा, हीराकुंड, हीराकुंड जो डैम बना है कहाँ पर बना है, तो महानदी पर बना है, कहाँ पर, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ कहां पर किया गया, जो फिट इंडिया फ्रीडम था इसका शुभारंभ इनमें से किसने किया और कहां पर किया, तो ध्यान रखेंगे जो फिट इंडिया फ्रीडम है बच्चों इसका शुभारंभ दिल्ली में किया गया, कहां पर, इसका शुभारंभ दिल्ली में किया गया, नोट करेंगे कहां पर, दिल्ली में किया गया। अब इनमें से किया किसने, अनुराग ठाकुर जी ने किया, किसने किया, फिट इंडिया जो फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किसने किया था, नोट करिएगा, जो खेल मंत्री, देश के हमारे खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, किसने, अनुराग ठाकुर, और ये देश के वर्तमान में क्या है, खेल मंत्री हैं, ठीक है। आप सभी को पता है मनसुख मांडवी कौन है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर नोट करेंगे आपके मनसुख मांडवी। पीयूष गोयल कौन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है भारत का, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं। और स्मृति ईरानी कौन है, महिला बाल विकास, इनके पास क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, तो याद रखना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों आपके स्मृति ईरानी जी के पास है। चलिए एक इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि बच्चों देखो एग्जामपुर ना अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर है ना ऑफर लेकर आया है, दिवाली ऑफर, ठीक है, तो दिवाली ऑफर ये चल रहा है 75% का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, तो अभी इसका लाभ उठाइए आप लोग, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, आप भी इसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। तो ये 75% का जो डिस्काउंट का ऑफर है ना, इसे आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग ले सकते हैं, है ना, जितने भी बच्चे यहाँ पर है वो सारे बच्चे यहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 75% बच्चों अभी ये डिस्काउंट है 27 अक्टूबर तक, कब तक के लिए, 27 अक्टूबर तक के लिए ये है ना बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग इसमें जरूर इसको ले सकते हैं। कोई भी कोर्स एग्जामपुर का लेंगे ना तो याद रखना यहाँ पे 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और करना क्या पड़ेगा आपको, दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, फिर से बता रहा हूँ कि दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखेंगे 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको इस ऑफर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, स्पेशली उन दोस्तों को जिन्होंने की जो कि तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि उनको कि कम पैसे में, बहुत पैसा उनके पास नहीं है, कम पैसे पे अगर वो लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। 30 कोर्सेस आपको बता ही दिया, एसएससी जीडी वाला आया ही गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम के लिए, वहां पर आपका तमाम एरिया कवर हो जाएगा। और रही बात, देखो रही बात है कि अगर मैं बात करूं कि जी एमपी जीके की, तो वो हम आगे कभी करवाएंगे ही करवाएंगे, कोई ना कोई अगर कोर्स चलाते हैं तो बिल्कुल उसमें करवाएंगे एमपी जीके। तो आप यहाँ पे 30 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तो आप इसको जाकर के आप अवेल कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। एग्जामपुर का ये सब कहाँ से ले पाएंगे, एग्जामपुर के एप्लीकेशन के माध्यम से, कहाँ से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप जा करके इसको ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इसको आप फटाफट अभी बुक कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसकी पुस्तक बच्चों, जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए वैली ऑफ वर्ड्स जो पुरस्कार है ये किसको मिला, किसकी किताब है जिसको की है ना क्या है वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना बच्चों ये ममता कालिया की, किसकी किताब है, ममता कालिया बच्चों ध्यान रखना, इनकी किताब का नाम क्या था, जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में क्या मिला है, तो वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड, ठीक है। क्या नाम है इसका, कौन पुरस्कार का नाम है, तो वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोट करिएगा ये जीते जी इलाहाबाद को दिया गया। और किसकी किताब जो, ममता कालिया जी की किताब है, क्या ममता कालिया जी की किताब है। रामदर्श मिश्रा को क्या मिला था, सरस्वती सम्मान,
रामदर्श मिश्रा जी को क्या मिला, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए दिया गया है ना, सरस्वती सम्मान इनको प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे आशा पारेख को क्या मिला, तो आशा पारेख को बच्चों आप सभी जानते हैं इनको है ना, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब 52वां दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार मिला, कौन से नंबर का मिला, तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नोट करेंगे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो याद रखना आपके है ना आशा पारेख को दिया गया। पहला किसे दिया गया था, तो पहला बच्चों 1969 में देविका रानी जी को दिया गया था, किसे मिला था, देविका रानी को, याद रखना ये पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू दिया गया था, शुरू कब हुआ था 1969 में शुरू भी हुआ था और 1969 में पहली बार ये किसे मिला, तो देविका रानी जी को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, चलिए बताएंगे भाई साहब है ना यहाँ पर बताएंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, ग्लोबल इंडिया अवार्ड से इनमें से कनाडा में किसे सम्मानित किया गया है ना, अनिल अग्रवाल, ललित भसीन या फिर अजय भादू, इनमें से किसे, याद रखना ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये कहां पर, कनाडा के अंतर्गत, कहां पर किया गया इनको, कनाडा के अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया, बताओ भाई जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बच्चों याद रखना अनिल अग्रवाल जी को किसे दिया गया, अनिल अग्रवाल को याद रखना इन्हें कनाडा में, कहां पर, कनाडा में याद रखना ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्यों, ये भाई साहब याद रखना बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए याद रखना कनाडा सरकार ने इनको क्या मिला, ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजय भादू क्या बने हैं, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, क्या बने हैं, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है, तो नोट करेंगे बच्चों डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बना, तो याद रखना आपके अजय भादू बनाए गए, ठीक है, और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो याद रखेंगे जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कहने का कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखना आपके राजीव कुमार जी हैं, क्या नाम इनका है, राजीव कुमार जी हैं, और अभी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बना, तो अजय भादू को बनाया गया, ठीक है, कौन, अजय भादू को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, बताएंगे इनमें से बच्चों 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, और देखो जो ये बिहारी पुरस्कार है ना ये किसमें दिया जाता है, तो बिहारी पुरस्कार बच्चों याद रखना ये राजस्थानी लेखकों को, किसको देते हैं, जो राजस्थानी लेखक हैं, कहाँ के, राजस्थानी बच्चों याद है राजस्थानी लेखक हैं, और ये किसमें किताब लिखते हैं, हिंदी में, ठीक है, राजस्थानी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, और हिंदी किताबों के लिए, किसके लिए, हिंदी रचना के लिए प्रदान किया जाता है, देता कौन है, याद रखना इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई और इसे देता कौन है, के बिरला फाउंडेशन, कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को प्रदान करता है, ठीक है। तो देखो ये इस बार किसे भी दिया गया, तो माधव हाड़ा को, दामोदर मौजो को, नीलम फुकान को, ठीक है, किसे प्रदान किया गया, ठीक है भाई, किसे प्रदान किया गया, तो बच्चों माधव हाड़ा को दिया गया, किसे, माधव हाड़ा को इस बार का, याद रखना 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा किसे दिया गया, माधव हाड़ा को ये बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्लियर, इस पॉइंट को नोट करना कि 32वां जो पुरस्कार है किसे मिला है, माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, तो हिंदी रचना के लिए बच्चों किसको, इसमें धनराशि लिख लेना 2.5 लाख रुपए, इसमें धनराशि कितनी जाती है, 2.5 लाख रुपए इसमें धन राशि दिया, पुरस्कार राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए इसमें दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बताएंगे ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन ने हाल ही में किस भारतीय शहर में आईफोन बनाना शुरू किया है, ठीक है, आईफोन बच्चों भारत में क्या होगा, असेंबल्ड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, असेंबल्ड होंगे, इनके पार्ट विदेश से लाकर भारत लाया जाएगा पार्ट को, और फिर उसको यहाँ पर असेंबल्ड यानी कि उसको फिर से मतलब बना करके उसको मार्केट में सेल किया जाएगा, तो बताएंगे कहाँ पर इसका होगा, तो चेन्नई में, कहाँ पर इसका प्लांट स्थापित किया जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में, नोट करिएगा पेगाट्रॉन कहाँ स्थापित करेगी कंपनी ये अपना बना रही है, तो तमिलनाडु के बच्चों चेन्नई से, याद रखना इन्होंने आईफोन बनाने की शुरुआत की, ठीक है। अब आप लोगों को यानी कि हम सभी को सस्ता यहाँ पर आईफोन मिल जाएगा, क्योंकि
अभी क्या होता है कि हम विदेश से हमारे यहाँ आता है तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जब ये भारत में मैन्युफैक्चर होगा तो ये क्या होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये मेड इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन्हें तो नाडा, इसे क्या बोलते हैं, नाडा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इसे बच्चों नाडा के नाम से जानते हैं, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। किस खिलाड़ी को 4 साल पर प्रतिबंध लगा दिया, इनमें से किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, विवेक लाल, शिवपाल सिंह या फिर मीराबाई चानू, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा शिवपाल सिंह, क्या होगा, शिवपाल सिंह पर बच्चों याद रखना 4 वर्ष का क्या लगा दिया गया इन पर, याद रखना डोपिंग चार्ज लगा कर गया ना, याद रखना इनको बैन कर दिया गया, शिवपाल सिंह क्या है, शिवपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई, है ना, देखो तीनों फॉर्मेट में, एक वनडे में, ओडीआई में, है ना, ओडीआई में, T20 में और टेस्ट में, तीनों में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है, इनमें से क्या होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर अफगानिस्तान, बताओ भाई क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा, जो इंग्लैंड की टीम है ना, याद रखना इन्होंने, है ना, तीनों फॉर्मेट चाहे वो सभी में किससे, तो 10 विकेट से हार गई, ठीक है भाई साहब, किससे, 10 विकेट से हारने वाली जो टीम बन गई है ना एक साल में, किसमें, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर तीनों फॉर्मेट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम कौन बन गई, इंग्लैंड बन गई है, कौन है, इंग्लैंड बन गई है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या कहता है भाई साहब, 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के पुरस्कार तौर पर सम्मानित किया है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, तो देखो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बच्चों इनमें से कौन होगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, तो मैंने आप लोगों को इसको पढ़ा रखा था पहले ही कि राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या, मध्य प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसे दिया गया, मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, किसे को दिया गया, मध्य प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली का स्टेट का दर्जा किसे मिला, मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, और कौन सा, 68वां अभी राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्रदान किया गया, क्या, 68वां ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। और बच्चों आपको सबको पता होगा ना कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में कहाँ पर है, टॉप में रहा, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में याद रखेंगे मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ये पहले स्थान पर रहा इस बार, है ना, पश्चिमी जोन में भी पहले स्थान पर है, पश्चिमी जोन जो बात करें तो पश्चिमी जोन में कौन है, तो याद है मध्य प्रदेश राज्य टॉप में है, और इंदौर तो 6वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या है, तो 6वीं बार, ठीक है, 6वीं बार कौन है, इंदौर ने टॉप किया है, और भोपाल कहाँ पर, 6th स्थान पर, 6वें पायदान पर है, भोपाल जो है ना ये कहाँ पर है, तो 6वें पायदान पर, यानी 6वें स्थान पर कौन है, तो भोपाल है, और राजधानी में कहाँ मिलेगा, पहले स्थान पर, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है, तो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में भोपाल को दर्जा दिया गया, किसे, भोपाल को दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनजाति सीएम राज्य विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा, बच्चों ये कौन देगा बताओ भाई, मध्य प्रदेश में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ सॉरी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीएम राज विद्यालय, जनजाति क्षेत्र में जो सीएम राज स्कूल है इनको प्रशिक्षण कौन प्रदान करेगा, ठीक है, इनको बच्चों कौन प्रशिक्षण प्रदान करेगा, और मध्य प्रदेश में तकरीबन 9,500 से ज्यादा, ठीक है, 9,500 के लगभग या इससे बच्चों ज्यादा क्या है, सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश के अंतर्गत खोले गए हैं, और याद रखेंगे इसमें क्या होगा, तो बच्चों अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, कौन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है ना इन स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल तमाम सारी जो जो, जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी से मतलब अत्याधुनिक तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी, तो इसको ट्रेनिंग कौन देगा, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इनको ट्रेनिंग देगा। आइए देश की स्वच्छ संवाहिनी राजधानी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ठीक है, क्लीन सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ द कंट्री, ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, चेन्नई, भोपाल, गांधीनगर या फिर जयपुर, ठीक है, क्या है, तो क्लीन सस्टेनेबल कैपिटल यानी कि संवाहिनी, है ना, संवाहिनी बच्चों राजधानी का अवार्ड, स्वच्छ संवाहिनी राजधानी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, बताओ भाई जल्दी से, पूरे देश के अंदर याद रखना इकलौता जो मध्य प्रदेश का क्या होगा, भोपाल, ठीक है, अभी मैंने बताया कि भोपाल जो है ना मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, इसे बच्चों क्या दिया गया, तो क्लीन सस्टेनेबल कैपिटल, क्या, क्लीन सस्टेनेबल कैपिटल का पुरस्कार किसे दिया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा, भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है भाई साहब,
मध्य प्रदेश के किस अकेदमी ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया है? स्वर्ण जयंती समारोह बताएंगे, स्वर्ण जयंती जो समारोह है बच्चों ये किस अकेदमी ने शुरू किया है, यानी कि घोषणा की इसको करने के, कालिदास ने, कालिदास अकेदमी जो कि कहां पर स्थित है ना, उज्जैन के अंतर्गत, हिंदी ग्रंथ अकेदमी भोपाल, तुलसी अकेदमी भोपाल, उर्दू अकेदमी भोपाल, तो बताएंगे इनमें से किस अकेदमी ने, याद रखना, आपके स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन की घोषणा की है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, हिंदी ग्रंथ अकेदमी। और हिंदी ग्रंथ अकेदमी कब बनी थी, 1969 में, और ये कहां स्थित है, भोपाल में, कहां पर है ये, भोपाल के अंतर्गत आ जाती, ठीक है, ध्यान रखना। उर्दू अकेदमी कब है, तो 19 बच्चों याद रखना 1976 की बात कर लेते, किसकी स्थापना की गई, तो याद रखना उर्दू अकेडमी, ठीक है, उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई, चलिए ध्यान रखना किसकी, उर्दू अकेडमी की स्थापना, ये भी कहां पर है, भोपाल के अंतर्गत है। तो यहां पर स्वर्ण जयंती कौन मनाएगा, आपका हिंदी ग्रंथ अकेडमी इसको सेलिब्रेट करेगी, क्या हिंदी ग्रंथ अकेडमी इसको सेलिब्रेट करेगी। चलिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत मुर्रा भैंस की खरीद पर एमपी के किसानों को और पशुपालकों को 50% से लेकर 75% तक का अनुदान मिलेगा, ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, 50% से लेकर के 75% तक का यहाँ पर क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, बताइएगा, है ना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो जो मध्य प्रदेश सरकार ने भैंस खरीदने के लिए अपने, याद रखना रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, याद रखना रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के युवाओं को क्या देगी, यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख के लगभग, ठीक है, क्या मिलेगा, 2.5 लाख के लगभग बच्चों को पैसा दिया जाएगा, और ये पैसा क्या होगा, इस पैसे से आप भैंस खरीद सकते हैं, क्या इस पैसे से आप भैंस खरीद सकते हैं, ठीक है, इस पैसे से आप क्या खरीद सकते हैं, तो भैंस खरीद सकते हैं, और याद रखना इसमें है ना अपना रोजगार के लिए ये चला सकते हैं। तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत किसने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। और देखो जो डेयरी, विश्व डेयरी सम्मेलन, विश्व जो डेयरी सम्मेलन है ये कहां शुरू किया गया, तो विश्व डेयरी सम्मेलन बच्चों आप याद रखना ये नोएडा में आयोजित किया गया था, ठीक है, विश्व डेयरी सम्मेलन कहां पर, तो नोएडा के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था, इस बार मनाया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कौन सा, विश्व डेयरी सम्मेलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं, बताओ भाई जल्दी से, और सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे यहाँ पर लाइव है हमारे साथ ना, सभी बच्चे क्लास को एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर लो भाई जल्दी से, ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और हाँ एक पॉइंट में आप लोगों को बता दूं, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे है ना, ये बच्चों 78 होगा, उर्दू एकेडमी क्या है 1978 है, मध्य प्रदेश की जो उर्दू एकेडमी क्या है इसका 1978 राइट आंसर होगा, ना कि 1976, क्या होगा 1978 में उर्दू एकेडमी भोपाल में स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर मनीषा गर्ग को साइंस वर्ल्ड का मैक्स अवार्डर अवार्ड मिला है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, बताओ भाई, है ना, मैक्स ओवर अवार्ड ये प्रदान किया गया है, बताएंगे ये जो पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया है, तो मनीष गर्ग को दिया गया, बच्चों ये किस जिले के हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले के मनीष गर्ग हैं जिनको कि ये साइंस वर्ल्ड का मैक्स अवार्डर अवार्ड प्रदान किया गया। चलो भाई जल्दी से बता दीजिएगा कि जो ये प्रदान किया गया मैक्स है ना साइंस वर्ल्ड का मैक्स अवार्डर अवार्ड ये किसे दिया गया, तो बच्चों याद है ये शहडोल जिले के, किसके हैं, शहडोल जिले के आधा मनीष गर्ग को प्रदान, डॉक्टर मनीष गर्ग को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और तमाम सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। थोड़ा हम जल्दी जरूर चल रहे हैं लेकिन है ना क्योंकि अभी रिवीजन है, कोई नया करंट अफेयर्स तो है नहीं, सारा पुराना का आपको मैंने जो मैंने करवा रखा उसी को रिवाइज करवा रहा हूं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ साथ देखो मैं फिर से बता दूं कि बच्चों एग्जामपुर जो है ना आप लोगों के लिए यहाँ पर दिवाली फेस्टिवल ऑफर लेकर आया, ठीक है, ये दिवाली ऑफर चल रहा है तो आप लोग यहाँ पर 75% कितने का ऑफर है, ये 75% का अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इसको दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, क्या दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा और आपको यहाँ पर 75% का डिस्काउंट मिलेगा, कितने का 75% का, ठीक है, तो एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एग्जामपुर का क्या है ऑफिशियल एप्लीकेशन को बच्चों डाउनलोड करिए और यहाँ से इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्या यहाँ से इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जाइए अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए और फटाफट इसको है इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और ये ऑफर कब तक के लिए 27 अक्टूबर, ठीक है, ये ऑफर सिर्फ कब तक के लिए 27 अक्टूबर, अदरवाइज देखो इसकी जो फीस है बच्चों पता है कितनी है, याद रखना अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1300, ठीक है, कितना है आप देखेंगे कि मैंने बताया था आपको कि 1400, जो बच्चों ने प्री बुकिंग नहीं कर रखी उनको 1400 में,
और जिन्होंने प्री बुकिंग कर रखी होगी उनको 1299 यानी कि 1300 रुपए के लगभग मिलेगा। अब सोचो ये 75% डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो कितना डिस्काउंट आपको यहाँ पर और ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आप उन बच्चों को बताइएगा जो कि है ना, जो नीडी है, जिनको लगता है कि उनके पास गरीब घर के नहीं पैसा पे कर पा रहे हैं, उनको उन बच्चों को तक आप ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि एग्जामपुर का बच्चों क्या है, ये दिवाली ऑफर चल रहा है, क्या ये दिवाली ऑफर आपके एग्जामपुर का चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहता है भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में अंक टाड ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। चलिए बताएंगे भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है बच्चों, ये अंक टाड ने कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अंक टाड ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, ठीक है, अंक टाड के अनुसार बच्चों जो भारत की वृद्धि दर है ये कितना अनुमान लगाया है, बताओ भाई जल्दी से, है ना। चलिए बताएंगे अंक टाड ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है कितना ये तय किया है, तो 5.7% कितना होगा, 5.7% बच्चों ये अंक टाड ने लगाया है, ठीक है। और अंक टाड की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में, कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंक टाड का हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए होलोग्राफिक तकनीकी के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है, बताओ भाई जल्दी से कि जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के लिए किसने किया है, इसका आप लोग होमवर्क में आंसर करके बता देना, ठीक है, होमवर्क में इसका आंसर कर देना, क्योंकि अब है ना सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे और मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नए सेशन में, तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ठीक है, कल आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।